आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वेट के अंदर बैठे जितने भी नर और मादा हैं जो कि अपने पंखों को फैलाए हुए बैठे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज आ गया आप लोगों के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती की भाई एग्जाम डेट आप लोगों की जारी होगी भाई, ऑफिशियल लेटर आया है, आपको यहां पर प्रूफ दिखाऊंगा। वो कल जो एक लेटर आया था फेक था, वो वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला है। वेबसाइट के ऊपर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। राम राम जी सारे, मैं तारा साथी मोहित पुनिया में तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस दोपहर का टाइम पर फिर से स्वागत करता हूं। सुना दो भाई क्या क्या अंतर है। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की जो एग्जाम डेट जारी हुई है आपकी 2 से 5 दिसंबर को परीक्षाएं, ऑफिशियल लेटर जारी, देखो क्या कुछ मामला है। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, रेलवे की, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की या एसएससी की, किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम, तो आपको पता है प्रीवियस ईयर के टेस्ट और प्रैक्टिस सेट की कितनी अहमियत होती है। तो वही चीज आपकी टेस्ट बुक लेके आया है। टेस्ट बुक नाम का ये जो ऐप है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये आपको लिए फ्यूचर ऑफिसर के नाम से सेल लेके आया है, जिसके तहत आपको मात्र 608 रुपए के अंदर टेस्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो के तहत क्या है, मैं आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी मिलेंगे और पूरे साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर JTT कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी सेल चली हुई है, बाद में अमाउंट और भी महंगा हो सकता है, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो ले सकता है भाई। अब देखो ऑफिशियल लेटर ये है आपका भाई, अभी अभी आया आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड भाई। अब रेलवे भी एक्शन के अंदर आ गई है, ठीक है, बढ़के मत लेना, पढ़ना शुरू कर दो। अभी कौन सा महीना चलने लग रहा है, सितंबर तो आपका जा लिया, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर की आज कितनी तारीख होगी, 7 अक्टूबर है भाई, मोटा मोटा 7 नवंबर 7 दिसंबर, 2 महीने का मोटा मोटा समय है। देखो क्या है, नोटिस ऑन टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CEN 1/2024 ALP RPF SI टेक्नीशियन और JEE, इन सभी की आपकी एग्जाम डेट आ गई है, एक साथ देख लो भाई कौन कौन सी ये आ गई भाई। ALP की जो आपकी परीक्षाएं हैं असिस्टेंट लोको पायलट की भाई, वो आपकी 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी और 29 नवंबर तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। आगे चीज समझ में, पहले भी मैंने ये चीज बताई थी ALP वाली, लेकिन उस टाइम ऐसे करने लग रहे थे नहीं अभी नहीं होगा ALP का, बाद में होगा, ठीक है। RPF SI की भाई बोला था ना दिसंबर के अंदर पक्का पेपर होगा RPF SI का, 2 दिसंबर 2024 से 5 दिसंबर 2024, 3 दिन परीक्षाएं चलेंगी आपकी, ठीक है। 3 दिन कैसे होगी, 2, 3, 4, 5, 4 दिन होगी, ठीक है, 4 दिन आप लोगों की परीक्षाएं चलेंगी, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल और सिर्फ एसआई की अभी कांस्टेबल की एग्जाम डेट नहीं आई भाई, तो आरपीएफ कांस्टेबल के जितने भी साथी हैं भाई वो अभी एक बार के लिए संन्यास ले लीजिए, अभी आप लोगों की परीक्षाएं नहीं है, अभी सिर्फ जो आपके बड़े साहब होंगे, ठीक है, आप लोगों के जो ऐड हैं अभी सिर्फ उनकी परीक्षाएं हैं, आप अभी साइड में बैठ के देखिए, ठीक है, सावधान विश्राम किया प्रैक्टिस के लिए इतने अभी। और आगे टेक्नीशियन की, टेक्नीशियन की 16 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू है 26 दिसंबर तक, ठीक है। और JEE की और जो अदर वैकेंसी बच गई उनकी भाई आपकी 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक परीक्षाएं होनी निश्चित है। यह आपका रेलवे का कैलेंडर आ चुका है एग्जाम डेट्स का भाई, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चीज है और है भाई आपका, देखो ये और देखो एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में भी आपकी जानकारी दे रखी है, एक सेकंड रुक जाओ। ओ भाई हट जा, ये क्या आ गया, चलो इधर ही देख लो, ये तो भाई ऐसे आएगा। द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी, जो आपकी एग्जाम सिटी है और जो डेट और डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव 10 डेज प्रियर टू द एग्जाम डेट ऑफ, जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं वगैरह वगैरह जो भी आना है भाई वो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आपके जारी होंगे। कोई भी आपका एडमिट कार्ड हो या एग्जाम डेट हो, कुछ एडमिट कार्ड हो, एग्जाम सिटी वगैरह वगैरह सारा का सारा सिस्टम। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 डेज प्रियर, जैसे SSC के अंदर होता है ना कि 10 दिन पहले तो क्या आते हैं, 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी आ जाती है कि भाई आपका एग्जाम होगा कौन से शहर के अंदर और किस तारीख को होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर जो एडमिट कार्ड वो आपका 4 दिन पहले आता है, उसी टाइप से इसके अंदर होगा आपका रेलवे के अंदर, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका 4 दिन पहले आएगा और जो एग्जाम सिटी है वो आपकी 10 दिन पहले आ जाएगी, ठीक है। जैसे तो आरपीएफ आपका एसआई का है, एसआई का आपका 2 दिसंबर से है, तो मोटा मोटा आप इससे 10 दिन पहले समझो कि करीबन आपका 22 नवंबर के आसपास आप लोगों की एग्जाम सिटी आ जाएगी और इससे 4 दिन पहले यानी करीबन आपके 28 नवंबर या 27 नवंबर को भाई आपका क्या है
इसके एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्या दे रखे, आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी डन इन द एग्जाम सेंटर। भाई आपका आधार कार्ड जरूरी है लेके जाना, कभी पैन कार्ड वगैरह वगैरह लेके पड़ जाए, क्योंकि और बायोमेट्रिक आपकी अटेंडेंस लगेगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड, आपको अपने साथ लेके जाना है। कैंडिडेट्स आर वंस अगेन एडवाइज टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन इफ नॉट डन ऑलरेडी बाय लॉगिंग इन विद देयर क्रेडेंशियल एट www.rrb2 फैसिलिटेट स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी फॉर लेटेस्ट अपडेट। बी अवेयर ऑफ फालतू का जो ज्ञान है उसे सचेत रहें। तो भाई ये आप लोगों को मैंने कंप्लीट दिखा दिया है आरआरबी का ऑफिशियल लेटर। अब आप ये समझो 2 दिसंबर से परीक्षाएं हैं, मोटा मोटा आपके पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में जो झंडे गाड़ सकते हो गाड़ लो, वरना आपका सफाया होना निश्चित है, कोई भी नहीं बचा सकता आप लोगों को। साथ-साथ अगर परमात्मा भी ऊपर से नीचे उतरे और ये बोले हाँ वत्स मैं तुम्हें बचाऊंगा तो भी नहीं बचने वाले तुम, ठीक है। तो मन लगा के तैयारी स्टार्ट कर दो। आरपीएफ एसआई वाले कॉन्स्टेबल वालों का एग्जाम आप लोगों का जनवरी में होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्स्टेबल वाले साथी भाई अपना जनवरी के हिसाब से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मोटा मोटा समझो 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम होना निश्चित है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर वालों का आप लोगों को पता 2 दिसंबर से है। अब अपना क्या शेड्यूल रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अब आप ही किस हिसाब से तैयारी करेंगे। आप लोगों के पास 2 महीने का समय, 2 महीने की मैं कंप्लीट आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी लेके आऊंगा किस तरीके से हम लोग रिवीजन मारेंगे। हमारा जो साइंस का टॉपिक रह रहा है, क्योंकि साइंस आरपीएफ के एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछी जाती है, उसको कैसे कवर अप करेंगे, ठीक है। और कौन सी आगे क्लासेज होने वाले जिसके तहत हम लोग एग्जाम से पहले अपने एक बार अच्छे से रिवीजन एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ है हम लोग अपनी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें मैं आपको भी मतलब कि कल आपके लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली हैं, यूट्यूब के ऊपर चलने वाली हैं, कहीं पे एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज़ के लिए आप हो जाओ निफ्राम, ठीक है। आपको एंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कल जो क्लास हुई थी मैंने उसके एंड रिटन नोट्स भी डाले थे। अपना जो टेलीग्राम चैनल है, आपको भर्तियों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है @JKTT छोटे अक्षरों में RGT जे टारगेट नाम से, जहाँ पर करीबन 1,77,000 सब्सक्राइबर है, मेरी फोटो लगी मिलेगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको भर्तियों से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम है डाल दी जाती है और आपको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो उधर ही आपका लेटर भी डाल दिया जाएगा और भी कोई इन्फॉर्मेशन है, जैसे वो एंड रिटन नोट्स थे वो भी मैंने आपके टेलीग्राम के ऊपर डाल दिए हैं, आप लोग जाके चेकआउट मार सकते हो। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कहने की बात यह भाई हल्के मत लीजिए, जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है वो रिविजन मारना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा है टाइट होकर कड़क होकर तैयारी स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है। जिसने सिलेबस पूरा कर रखे हो रिविजन शुरू कर दो, ठीक है भाई। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, धन्यवाद। लड़ना ले लो, खेच जाओ, पढ़ लो भाई। आज रात को जो SSC MTS की जो परीक्षा चलने लग रही हैं, ठीक है, उससे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कल आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी और फिर कल या परसों से आपकी RPF SI की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी, ठीक है। कल आपको बता दिया जाएगा भाई कैसे आप अपने जीके को प्रिपेयर करके अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, खेच जाओ भाई फटाफट से।